31 मार्च को शुक्र गोचर करने वाले हैं। शुक्र का यह गोचर देव गुरु की राशि मीन में होने जा रहा है। इससे कुछ राशियों को लाभ होगा तो वहीं कुछ राशियों को हानि होगी। ज्योतिष आचार्य के अनुसार लोकल 18 को बताया गया कि होली के बाद 31 मार्च को धन वैभव के दाता शुक्र फिर से राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र के मीन राशि में गोचर से चार राशियों को धन की देवी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को देवताओं का गुरु तो शुक्र को दैत्यों का गुरु माना गया है। जानिए कौन सी राशियों को होगा लाभ। 31 मार्च 2024 को शुक्र जो है वह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और शुक्र के मीन राशि में गोचर करने से यह राशि परिवर्तन हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा गया है और शुक्र को दैत्यों का गुरु कहा गया है। तो दैत्यों के जो गुरु शुक्र हैं वह बृहस्पति की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मीन राशि जो है वह देवगुरु बृहस्पति की राशि है, उसमें शुक्र प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र को ऐश्वर्य का देवता ग्रह कहा गया है, वैभव देने वाला है, ऐश्वर्य देने वाला है, भौतिक सुखों को देने वाला ग्रह कहा गया है। अब 31 मार्च से शुक्र जब मीन राशि में गोचर करेंगे, प्रवेश करने जा रहे हैं, राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो चार राशि के जो जातक हैं इनके लिए यह अति शुभ रहेगा। धन की वर्षा कर रहे हैं ऐसा भी हम कह सकते हैं। इनके जीवन में शुक्र के कारण धन की किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। इसमें है सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय वरदान जैसा रहेगा। उनकी जो मनोकामना है वो मनोकामना पूर्ण होगी, पदोन्नति होगी, विदेश जाने के अवसर उनको प्राप्त होंगे और राज्य सरकार, राज्य सत्ता या ऐसे उच्च पद पर बैठे लोगों के साथ उनके संपर्क होने से उनके भी राजयोग जैसी स्थिति बनेगी। वृषभ राशि के जातकों को भी शुक्र का यह गोचर लाभ देने वाला है। उनके कार्य क्षेत्र में उनकी इच्छाएं पूर्ण होगी, कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। वृषभ राशि के जो व्यापारी हैं, जो कारोबारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, ऐसे जातकों के व्यापार में वृद्धि होगी। मिथुन राशि के जो जातक हैं, इन जातकों के करियर में इनकी नौकरी पेशा लोग हैं या व्यापारिक लोग हैं तो इनको अपने अपने क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी। सहकर्मियों का, वरिष्ठ अधिकारियों का इनको सहयोग प्राप्त होगा और ये कहीं यात्रा पर जा सकते हैं, उस यात्रा से भी इनको लाभ की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार शुक्र का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए भी शुभ फल देने वाला है। धनु राशि के लोगों को मानसिक शांति की प्राप्ति होगी और मन की शांति की प्राप्ति होगी, सेहत में उनका सुधार होगा, सुख सुविधाओं में विस्तार होगा, करियर कारोबार में भी लाभ की प्राप्ति होगी और यदि किसी प्रकार के उनके अपने रिश्तेदारों के साथ या किसी अन्य लोग के साथ पहले के समय में संबंध भी किसी कारण से खराब हो गए होंगे तो वह संबंध भी पुनः नए सिरे से स्थापित होंगे और अच्छे संबंध बनेंगे।